हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, मैं अभी वेट लॉस जर्नी में हूँ। तो मैं अभी सेकेंड टाइम वेट लॉस जर्नी में हूँ। पहले वेट लॉस जर्नी में 20 किलो कम कर चुकी हूँ। अभी मैं फिर से 6 किलो कम करने के लिए अभी मैं सेकेंड टाइम वेट लॉस जर्नी में हूँ। ये तो मैं सब वीडियो में बता चुकी हूँ, तो भी कोई कोई नया आता है ना, इसके लिए मैं फिर से वो रिपीट कर लेती हूँ सेकेंड टाइम वेट लॉस जर्नी में वो करके। फ्रेंड्स, मैं तो कल डिनर में मैं ब्रोकन व्हीट का जीरा राइस बनाई थी, गेहूँ का दलिया रहता है ना उसका, तो वही रेसिपी तो करके नहीं मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, ऐसे मेरा डिनर का थाली तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को भी एक आइडिया मिल जाएगा। फ्रेंड्स, दलिया का जीरा राइस बनाने के लिए मैंने थोड़ा कढ़ाई में 1 टीस्पून उतना मैंने घी डाल दिया, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल के उसमें मैंने ब्रोकन व्हीट को अच्छे से धो के मैंने डाल दिया, और गरम पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल करके लिया। इसमें ऑनियन वगैरह लहसुन कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल तरीके से रखी हूँ। तो हम लोग राइस का कैसा जीरा राइस बनाते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही है, बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स। तो घी में बनाई हूँ ना, इसके लिए घी भी ज़्यादा भी नहीं डालने का, एक छोटा सा टीस्पून में डाली थी मैंने। और दोपहर का दाल क्या बना था वही दाल ले लिया मैंने, और दोपहर का ही भाजी था, आलू बैंगन का भाजी था वही मैंने ले लिया। फ्रेंड्स, कभी कभार मैं मिक्स वेजिटेबल्स डाल के दलिया के साथ मैं ऐसे बना लेती हूँ, ये भी टेस्टी लगता है। उपमा भी बोल सकते हैं, खिचड़ी भी बोल सकते हैं, पुलाव भी बोल सकते हैं, सब कुछ मसाला डालती हूँ उसमें मैं, तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आप रोटी और चावल छोड़ने का ज़रूरत नहीं, रोटी भी चावल भी खा सकते हैं, आप रात को भी चाहे तो भी खा सकते हैं, बट पोषण कंट्रोल रखने का, पोषण कंट्रोल में ही नहीं तो पोषण कंट्रोल करके आपको सब कुछ खा सकते हैं। तो शुगर वगैरह छोड़ दीजिए तो आपका वेट लॉस जर्नी ईजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।